वेलकम गाइस टू अवर अनदर वीडियो। तो आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 3 जो है फोर्स एंड प्रेशर का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो पेज नंबर 22 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द चार्ट। तो चार्ट में समझाने से पहले हम थोड़ा फॉर्मूला की ओर ध्यान देते। तो पहला है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपली है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हम डेंसिटी का मतलब देते हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझो एक दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। डेंसिटी मतलब घनापन होता है, मतलब आप देख सकते हैं फर्स्ट सिलेंड्रिकल बॉक्स में सब एक दूसरे से दूर दूर एटम पार्टिकल्स, और सेकेंड सिलेंडर में आप देखेंगे तो यहाँ पे सब एक दूसरे से एकदम क्लोज क्लोज है। तो जितना क्लोज रहेगा उतना डेंसिटी इंक्रीज होगा, और जितना कम रहेगा उतना डेंसिटी उसका कम रहेगा। डेंसिटी मतलब घनापन होता है। फिर हम देखेंगे मास। मास मतलब होता है कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, हर कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट रहता है उसको बोलते हैं मास। फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि वो जो कितना जगह ले रहा है। समझो कि वाटर बॉटल 10 लीटर का पानी डाल सकते, उससे ज्यादा पानी नहीं डाल सकते, तो मतलब बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम है 10 लीटर। तो हम देखेंगे चार्ट क्या है। तो चार्ट में यहाँ पे दिया है मास दिया है, वॉल्यूम दिया और डेंसिटी दिया है। तो मास हमें दिया है 350 kg, और जो वॉल्यूम है हमारा वो है 175 m³, और हमें पूछा है डेंसिटी कितना होगा। तो सिंपली हम जो फॉर्मूला सीखे थे उसको पुट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा मास है 350 kg और जो हमारा वॉल्यूम है 175 m³। तो सिंपली हम ये दोनों कट होगा तो हमारा आंसर आएगा 2। तो अभी हमारा डेंसिटी होगा 2 kg m³। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है 190 m³ और हमें दिया डेंसिटी। तो सिंपली हमें मास फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया नहीं है, वॉल्यूम है 190 और डेंसिटी है 4। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को यहाँ पे लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बनेगा यहाँ पे मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 190 इंटू 4 आंसर आता है 760। तो हमारा जो मास है वो 760 kg का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले उसका भी फॉर्मूला देख लेते। तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी दिया है, जिसका फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा हमारा जो रहेगा 10³, यानी 1000। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेंसिटी ऑफ मेटल नहीं दिया है, डेंसिटी वाटर दिया है 10³, और हमारा रिलेटिव डेंसिटी है 5। तो हमें डेंसिटी ऑफ मेटल फाउंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर है 10³। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसको यहाँ पे लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बनेगा 5 × 10³। तो हमारा जो डेंसिटी ऑफ मेटल है वो रहेगा 5 × 10³, यानी 5000। तो उसी क्वेश्चन में हम देखेंगे जो डेंसिटी ऑफ मेटल है वो है 8.5 × 10³, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हमारे 10³। हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी ऑफ हमारा मेटल है वो है 8.5 × 10³, और जो हमारा वाटर है 10³। तो हमने सिंपली 10³ कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर बचेगा 8.5। तो हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो होगा 8.5। तो हम आगे जाने से पहले प्रेशर के बारे में सीख लेते। तो प्रेशर का सिंपल डेफिनेशन यही है कि हाउ मच फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पेसिफिक एरिया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वुडन प्लैंक लिया, उसके ऊपर हमने 50 ग्राम का बुक ऐसे एक के ऊपर एक रख दे गए हम लोग। तो क्या हुआ, हमारा जो वुडन प्लैंक था वो बेंड हो रहा था। तो इससे हमें क्या समझा कि हमने एक स्पेसिफिक एरिया में अगर हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होता है। वही दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, वही वुडन प्लैंक के बदले हम जो एक के ऊपर बुक रख रहे थे उसके बदले हमने बुक को आजू बाजू रखा, हमने एरिया इंक्रीज किया, तो हमारा जो वुडन प्लैंक था बेंड ही नहीं हो रहा था। तो इससे हमें क्या समझा कि अगर हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज होता है।
तो इससे हमें समझ आता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। हमें क्या समझा है, जो प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। तो हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे दिया है हमें वेट दिया है, यहाँ पे हमें एरिया दिया है और यहाँ पे हमें प्रेशर दिया है। तो हमें वेट फाइंड आउट करना है और हमें जो एरिया दिया है वो है 0.04 और जो हमारा प्रेशर है वो है 20,000। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। तो प्रेशर है हमारा 20,000, वेट हमें फाइंड आउट करना है और जो हमारा एरिया है वो है 0.04। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा एरिया है उसको प्रेशर के इधर इनटू कर देंगे। तो हमारा बनेगा यहाँ पे कि वेट इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर हम इन दोनों को इनटू करेंगे तो आंसर हमारा 80,000 न्यूटन। तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हमें वेट दिया है 1500 न्यूटन, एरिया दिया है 500 मीटर स्क्वायर और प्रेशर हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो हम सिंपली गिवन लिखेंगे, गिवन में हमें वेट दिया है 1500, एरिया दिया है 500 और प्रेशर हमें फाइंड आउट करने, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो हम फार्मूला लिखेंगे प्रेशर का, जो कि है प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। जो हमारा वेट है वो है 1500 और हमारा एरिया है वो है 500। अगर हम इन लोगों को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो हमारा प्रेशर आ गया वो है 3 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 10.8 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में था फाइंड रिलेटिव डेंसिटी। तो हम पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन में हमें क्या दिया है, जो डेंसिटी ऑफ मेटल है वो है हमारा 10.8 × 10³। और जो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है वो नहीं दिया, पर हमें मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, जो कि है 10³। और हमें अभी फाइंड आउट करना है रिलेटिव डेंसिटी। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारा बनेगा डेंसिटी ऑफ मेटल है वो है 10.8 × 10³ / 10³। तो यहाँ पे 10 to 10 to 3 कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है वो मिलेगा हमें 10.8। तो गाइस, हम आगे की क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कुछ दो प्रिंसिपल है उसको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, यानी पानी में डूब जाएगा। वही दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम रहेगा तो ऑब्जेक्ट सरफेस पर फ्लोट करेगा। और जो हमारा पानी का डेंसिटी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, जो कि रहेगा 1 g/cm³। तो ये हमें अभी जो आगे के क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका मास है 50 ग्राम और जो उसका वॉल्यूम है वो है 20 cm³। तो वो पूछे कि अगर समझो उसको हमने पानी में डाला तो वो क्या तैरेगा कि ये पानी में डूब जाएगा। तो हम पहले इसका डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे पानी और इसके डेंसिटी के साथ। तो पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 kg और दिया है हमें वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 cm³ दिया है और हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है हमारा 50 और जो वॉल्यूम है हमारे 20। अगर हम इन लोगों को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। ओके, तो हमें मिला डेंसिटी इक्वल टू 2.5 और हमारा जो वाटर का डेंसिटी है वो है 1 g/cm³ - 3। तो वाटर का जो हमारा डेंसिटी है वो है 1 g/cm² - 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर का डेंसिटी और जो हमें डेंसिटी मिला ऑब्जेक्ट का वो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, जो हमने पहले सीखा था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है, द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर सील बॉक्स इज 350 cm³ एंड द बॉक्स हैज़ द मास ऑफ 500 ग्राम।
वॉट द बॉक्स फ्लोट ऑन द वाटर और सिंक इन द वाटर, वॉट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉक्स। तो सिंपली क्वेश्चन में हमें एक बॉक्स दिया है जिसका मास है 500 ग्राम, जिसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो पानी में तैरेगा कि डूब जाएगा, और सेकंड कंडीशन है कि वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो पहला कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालेंगे और वाटर के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलो डेंसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए हम गिवन लिखते हैं, गिवन में हमें मास दिए 500 ग्राम और हमें वॉल्यूम दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला लिखेंगे सिंपली, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है हमारा 500 ग्राम, हमारा वॉल्यूम है 350। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.4। तो हमारा डेंसिटी ऑफ बॉक्स बनेगा, वो बनेगा 1.4 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमारा कॉन्सेंट रहता है, जो कि रहता है 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली कि जो डेंसिटी ऑफ बॉक्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर से। तो इसका मतलब है हमारा बॉक्स है वो पानी में डूब जाएगा। तो हमारे फर्स्ट कंडीशन का आंसर मिल गया, द बॉक्स विल सिंक इन द वाटर। तो सेकेंड कंडीशन में पूछा है कि कितना वाटर डिस्प्लेस होगा बॉक्स के वजह से अगर वो पानी में आएगा। तो इसका आंसर रहेगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर ये क्यों है, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और उसके बाद में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा। तो चलेगा, इस फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।